जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तो बहुत उत्सुकता से हमारे प्लान को देखता है, लेकिन प्लान देखने के बाद वह तुरंत ज्वाइन नहीं करता, कई सारे ऑब्जेक्शन सामने रख देता है, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा, या यह मेरे से नहीं हो पाएगा, एटसेट्रा। आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात, जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो हमारे मन में एक ही बात चलती है कि यह ज्वाइन हो जाएगा तो मेरा टीम बड़ा हो जाएगा, मेरा लेवल बड़ा हो जाएगा, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, मेरा चेक बड़ा आएगा। यानी हम अपने बारे में सोचते हैं, प्रोस्पेक्ट के बारे में कोई ख्याल नहीं आता कि इसकी ज़रूरतें क्या है, इसकी चाहते क्या है, यह क्यों ज्वाइन करेगा। और इसी वजह से हम प्रोस्पेक्ट के घर जाते ही तुरंत प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं और बहुत सुंदर तरीके से प्लान का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अंततः रिजल्ट क्या आता है? जीरो। आज के इस वीडियो में हम 3-स्टेप फॉर्मूला की मदद से प्लान दिखाने से पहले प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है, उसकी चाहत क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है जानेंगे। और जब हमने उनकी ताला की सही चाबी पता कर ली तो उस ताले को खोलकर खजाने तक पहुंच ही जाएंगे, यानी आपका प्रोस्पेक्ट आपको तुरंत ज्वाइन करेगा। और आपके लिए खजाना क्या है? आपका प्रोस्पेक्ट ही आपके लिए खजाना है, क्योंकि वही तो आपका सपना पूरा करेगा। प्लान दिखाने से पहले 3 सवाल पूछना है। अगर आपने यह 3 सवाल प्रोस्पेक्ट से पूछकर इसका जवाब पता कर लिया तो आपका प्रोस्पेक्ट 100% आपको तुरंत ज्वाइन करेगा। प्रोस्पेक्ट से सबसे पहला सवाल पूछना है, एट दिस टाइम व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। प्रोस्पेक्ट पूछेगा जैसे कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं या आप क्या जानना चाहते हैं। तो आपको प्रोस्पेक्ट के सामने कुछ ऑप्शन रखना है, इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, पैसा, कैरियर, हेल्थ या रिलेशनशिप। ऑप्शन देकर चुप हो जाना है, उनका जवाब सुनना है। उनका जो भी जवाब आता है, पैसा, कैरियर, हेल्थ या रिलेशनशिप, अब दूसरा सवाल पूछना है, क्यों। यानी उन्होंने बोला पैसा, तो आप पूछेंगे आपके लिए पैसा क्यों जरूरी है, या आपके लिए कैरियर क्यों जरूरी है, या आपके लिए हेल्थ या रिलेशनशिप क्यों जरूरी है। उनका जवाब होगा, मुझे बाइक लेना है, या मुझे घर बनवाना है, या मुझे कार लेना है, या मैं विदेश घूमना चाहता हूँ इसलिए पैसा कमाना चाहता हूँ, या मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसके घर वाले तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक हम अच्छा पैसा न कमाने लगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर सेट हो जाए ताकि मैं उससे शादी करके अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकूँ। कम्युनिकेशन के दौरान जब प्रोस्पेक्ट चुप हो जाए तो उनकी बातों को पुनः शुरू करने के लिए प्रोएक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करें। प्रोएक्टिव वर्ड का उदाहरण है जैसे, फिर, मतलब। प्रोएक्टिव वर्ड कम्युनिकेशन के दौरान एस्केलेटर जैसा काम करते हैं, इससे प्रोस्पेक्ट अपनी बातों को और अच्छे से समझाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। आपने पूछा इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उन्होंने बोला पैसा। आपने पूछा क्यों, आपके लिए पैसा क्यों जरूरी है, उन्होंने बोला कि कामयाब बनने के लिए पैसे कमाना जरूरी है, इतना बोलकर चुप हो गए। अब प्रोएक्टिव शब्द का इस्तेमाल करें, जैसे, तो वह बोलेंगे कि गाड़ी लेना है या घर बनवाना है तो पैसा कमाना तो पड़ेगा ही, बिना पैसा के यह सब कैसे हो पाएगा, इसलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे घर बनवाना है या मुझे गाड़ी लेना है। एक बात का ध्यान रखें, प्रोस्पेक्ट जब बोले उनकी बातों को आप ध्यान से सुने, बातों को बीच में काटे नहीं। अब तीसरा सवाल पूछना है कि क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। आपने बोला कि कामयाब बनने के लिए पैसे कमाना चाहते हैं, या घर बनवाने के लिए पैसे कमाना चाहते हैं, या लड़की से शादी करने के लिए पैसे कमाना चाहते हैं। अगर आप जितना चाहते हैं उतना पैसा नहीं कमा पाए तो आप क्या करेंगे, सवाल पूछकर शांत हो जाएं। अगला, आपने बोला कि मुझे 4-व्हीलर लेना है, आप 4-व्हीलर नहीं ले पाए तो आप क्या करेंगे, या आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उससे शादी नहीं हो पाई तो आप क्या करेंगे। वो जो भी जवाब देते हैं ध्यान से सुने, यह सवाल उनको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, उनके जवाब का इंतजार करें और फिर आप बोलें, कैसा होगा अगर मैं इसका सोल्यूशन दे दूं। उनका जवाब होगा, बहुत अच्छा।
उनकी अनुमति लेकर अपने प्लान का प्रदर्शन करें, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप प्लान कैसे देना है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने यह 3 सवाल पूछकर उनको प्लान दिखाया तो आपका प्रोस्पेक्ट 100% ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि उसके सपने को पूरा करने की बात कर रहे हैं। खुद अमीर बनने के नहीं बल्कि उसको अमीर बनाने के लिए उसको ज्वाइन कराना चाहते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।